Everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More. Now today one of our students has asked us this very interesting question. The question is based on right hand limit. So the question is limit x tends to 0 plus. इसका मतलब है x 0 के पास वाली values लेगा, कभी भी 0 नहीं होगा, but 0 के right hand side में होगा. Okay. And the numerator is e raised to x raised to x minus 1 minus x raised to x upon x square the whole raised to x minus 1 the whole square. And we have to find out the limit. Definitely, it's a bit difficult and complicated question, but I will simplify it for you. First of all, that you should know that your x equal to 0 is over here. And x tends to 0 plus का मतलब है कि यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, but 0 को right hand side से approach करेगा. इसका मतलब definitely आपका x positive रहेगा and x जो रहेगा वो 0.000001 ऐसा कुछ approximately रहेगा. 0 के पास वाली value जो approximately ऐसे लिखी जा सकती है. इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 0.000000000 कुछ भी लिख दो, 987 whatever you want to, but 0 के बहुत पास वाली वैल्यू. तो बेसिकली यहां से हमने क्या सीखा कि ये जो x है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा. तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा. अगर मैं बोलता हूं कि मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x रेस टू x कैलकुलेट करना है, तो ये क्या आएगा, आप ये पहले सॉल्व कर लीजिए, देन ये सम बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है. तो जैसे मैं कहता हूं यहां पे x रेस टू x को आप बोल देना y, ठीक है, और फिर आप ले लेना बोथ साइड में log. तो जैसे ही आप log ले लोगे, log x रेस टू x इक्वल टू log ऑफ y, ठीक है, तो यहां पे x क्या हो जाएगा, x टाइम्स log x टू इक्वल टू log ऑफ y, सही है. तो x क्या हो जाएगा, log ऑफ y बाय log ऑफ x हो जाएगा. सो डेफिनेटली आपका x जो आ रहा है वो log ऑफ y टू द बेस x आ रहा है, ठीक है. यहां से आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, अगर x रेस टू x y है तो x क्या होता है, log ऑफ y टू द बेस x होता है, ये भी आपको पता है. बट कुछ लोग जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैंने दोनों साइड log ले लिया, फिर x को एज अ पावर पीछे ले लिया, फिर log x गया डिनोमिनेटर में, फिर चेंज ऑफ बेस लगा के ये कर दिया, ठीक है. एनीवेज, आप जिनको पता है अच्छे से लॉगरिदम्स के साथ खेल सकते हैं, वो है ना डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच सकते हैं. a रेस टू b इक्वल टू c रहेगा तो डायरेक्टली हम लॉग का वैल्यू लिख सकते हैं. तो अपना x क्या आ रहा है, लॉग ऑफ y टू द बेस x. ओके, तो x रेस टू x अगर y है तो x इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस x है. अभी ध्यान से देखना, ये वैल्यू x का जो है वो पॉजिटिव है, मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू है, और वो जीरो नहीं है, मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू है, बट ये वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज है. तो ये वाला पार्ट भी तो जीरो के बड़ा ही क्लोज है. तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड है ना लिमिट ले लेता हूं. चलो ले लेते हैं लिमिट दोनों साइड. अगर मैंने दोनों साइड लिमिट ले लिया तो मुझे ये क्या मिल रहा है, ये ऐसे कुछ मिल रहा है और ये ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है. अभी थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के ये क्वेश्चन देखना कि क्या कर रहा हूं मैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x का वैल्यू तो 0 आता है, ये एवरीवन नोज, राइट. और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट साइड में है अपना, और ये हो जा रहा है log ऑफ y टू द बेस x. अब मुझे बताओ log ऑफ समथिंग 0 कब आता है, कॉमन सी बात है बेटा, जब y 1 रहेगा तभी तो log 0 आएगा, समझ रहे हो बात को, जब y 1 रहेगा log of 1 to the base anything is 0, और यहाँ पे base anything की जगह खाली क्या है, बस x है, तो log of 1 to the base x 0 आ गया, और इस तरह से आपका आंसर आ गया. तो ये सारी मशक्कत मैंने क्यों की वो समझ लो, और ये मैं डिटेल में बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं वो भी समझ लो. लिमिट x tends to 0 plus x raise to x, ये क्या था अपना, तो मैंने x raise to x को क्या अज्यूम किया था, y for convenience, तो उसका आंसर कितना आया मेरा, y equal to 1. इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x रेस टू x कितना आ गया, 1. तो ये आप याद रख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है. अब यहां पे देखते हैं, अगर x रेस टू x का वैल्यू 1 है तो आप ध्यान से देखो e की पावर, देखो जरा
ई की पावर क्या है एक्स रेस टू एक्स माइनस वन, तो वो टेन टू क्या करेगी वन माइनस वन, तो वो टेन टू क्या करेगी जीरो, तो ई की पावर टेन टू कर रही है जीरो, सही है। तो ई की पावर अगर टेन टू जीरो है तो ये पूरा वैल्यू ई रेस टू जीरो क्या हो जाएगा वन, जो कि टेन टू वन आएगा, और एक्स रेस टू एक्स क्या है वो भी वन है, तो बेसिकली न्यूमरेटर जीरो आ रहा है बिकॉज ये आएगा ई रेस टू जीरो माइनस इसका वैल्यू वन, और ये हो जाएगा वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं आएगा बिकॉज हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं ना, तो लिमिट्स की बात अगर कर रहे हो आप तो ये टेन टू जीरो आएगा, तो न्यूमरेटर टेन टू जीरो है। आई होप सबको ये पार्ट समझ गया रहेगा, ठीक है। हमने कैसे किया, e रेस टू में पावर वन माइनस वन आ रहा है जो कि जीरो है, e रेस टू जीरो वन आ गया और वन माइनस वन जीरो। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी जीरो आ रहा है, देखो x रेस टू x को वन लिख दो, वन का स्क्वायर वन है बिकॉज x स्क्वायर रेस टू x को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं x रेस टू x द होल स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, सो डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू जीरो आ रहा है। तो इस तरह से हम ये लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया, ताकि आपको समझ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस x रेस टू x कैसे काम करता है। अभी और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास e रेस टू थीटा है तो उसका सीरीज होता है ये ऐसा, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला उसका सीरीज है। तो e रेस टू अगर ध्यान से देखें तो x रेस टू x माइनस वन का सीरीज भी मैं लिख सकता हूं थीटा की जगह, आपको खाली उसको पुट डाउन करना है, तो ये ऐसे कुछ हो रहा है बॉस, सही है। मैं खाली थीटा की जगह x रेस टू x माइनस वन रखते जा रहा हूं एंड आई एम गेटिंग दी आंसर्स, बट न्यूमरेटर में माइनस x रेस टू x भी है तो मैं यहाँ पे माइनस x रेस टू x भी कर ही देता हूं, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जाएगा और लास्ट में क्या आएगा माइनस x रेस टू x। बेसिकली मैं न्यूमरेटर सॉल्व करवा रहा हूं। अभी बड़े ही इंटरेस्टिंगली देखो बॉस, वन और वन तो कट गया, x रेस टू x भी कट गया, बचा क्या ये x रेस टू x का जो एक सीरीज बन रहा है वो अपना बचा, तो न्यूमरेटर तो अपना ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अभी डिनोमिनेटर की तरफ हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपना क्या आ गया, ये बड़ा वाला चीज और ये बड़ा वाला चीज, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर लिखते वक्त मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे लिमिट लिख देता हूं, और न्यूमरेटर तो अपना लॉजिक पैटर्न क्लियर है, स्क्वायर रहेगा तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, क्यूब रहेगा तो डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल, एंड दिस स्टफ गोज ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। डिनोमिनेटर में सेपरेटली आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर रेज टू एक्स माइनस वन और फिर उसका भी स्क्वायर था, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बॉस, एक्स रेज टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर, तो अंदर की तरफ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम एक्स रेज टू एक्स माइनस वन और एक्स रेज टू एक्स प्लस वन बोल सकते हैं, और उसका स्क्वायर हो जा रहा है। इसका मतलब ये बॉस क्या हो गया डिनोमिनेटर, एक्स रेस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स रेस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। एक्स रेस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स रेस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक बार चाहिए तो डिनोमिनेटर देख लो, एक्स स्क्वायर रेस टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, उसको हमने क्या किया एक्स रेस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स रेस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अभी हम उसी को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं एंड देन डिवाइड करते जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे एक्स रेस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स रेस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते जाते हैं, देखो तो जब से ही मैं स्प्लिट करता हूं ना बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। ये ऐसे हो गया बॉस और ये टू फैक्टोरियल हो गया, ये एक्स रेस टू एक्स माइनस वन स्क्वायर हो गया और ये एक्स रेस टू एक्स प्लस वन स्क्वायर हो गया, तो मैं क्यूब वाला टर्म भी आपके लिए लिख रहा हूं, एक्स रेस टू एक्स माइनस वन द होल क्यूब थ्री फैक्टोरियल एक्स रेस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स रेस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो आगे एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताता हूँ क्यों, क्यूब भी लिखने की जरूरत नहीं थी बट आपको समझाने के लिए ये चीज मैंने की है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, तो ये एक्स रेस टू एक्स माइनस वन कैंसल हो सकता है, क्यों, बिकॉज एक्स रेस टू एक्स टेंड्स टू वन है, ये हमने प्रूव कर लिया है, तो एक्स रेस टू एक्स माइनस वन भी क्या आएगा टेन टू जीरो आएगा बिकॉज एक्स रेस टू एक्स की लिमिट ही वन आ रही है, तो उसका एक्स रेस टू एक्स माइनस वन करेंगे तो उसका भी टेन टू जीरो आएगा। इसका मतलब क्या, एक्स रेस टू एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो है, इट इज क्लोज टू जीरो, तो उसको हम कैंसल कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको कैंसल कर लिया। सो डेफिनेटली यहां पे भी कट हो जाएगा बट यहां पे ऊपर एक पावर बचेगी, सो लेट मी राइट दिस डाउन, टू फैक्टोरियल तो टू होता है और ये आ रहा है एक्स रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ऊपर एक पावर बच रही है
ठीक है, और नीचे आ रहा है 3 फैक्टोरियल 6 और नीचे आ रहा है x^(x+1) द होल स्क्वायर। चलिए मैं आपके लिए अगला टर्म भी लिख रहा हूँ, अगले टर्म में x^(x-1) द होल स्क्वायर बचेगा बॉस, और 4 फैक्टोरियल आएगा 24 x^(x+1) द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी अपने को पता है x^(x) का वैल्यू 1 है, तो पहले में x^(x) का वैल्यू 1 डाल दो आप। ठीक है, तो पहले में x^(x) का वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ पे आएगा 1+1 का स्क्वायर, 1+1 2 होता है और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, सो 1/2 × 4 इज योर फर्स्ट टर्म। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके, आंसर क्या आ रहा है, पहला 1/2 और ये 2 का स्क्वायर। फिर दूसरा पार्ट लिख लेते हैं ना, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कर रहा है 1 x^(x) की जगह, तो यहाँ पे 1 डाला तो 1-1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ये भी देखो 1-1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये आगे का पूरा पार्ट क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है। तो 1/2 × 2² + 0 + 0 ये ऐसे होते जा रहा है, तो बेसिकली 1/2 × 2² कितना आएगा, 1/2 × 4 जो कि 1/8 है। तो इस तरीके से हमने ये वाला सम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। क्यों सॉल्व कर पाए, बिकॉज हमने x^(x) का लिमिट निकाला, RHL निकाला x→0+ पे जो आया 1। फिर हमने e^θ वाली सीरीज लगाई, सीरीज लगाते ही दो चीजें कैंसिल हो गई, 1 और -1, x^(x) and x^-x, और उस तरीके से हमें एक पैटर्न मिला और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया, तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 1/8। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1/8। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, दिस वाज अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन, आई रियली लव दिस क्वेश्चन। ओके, इफ यू लाइक दिस क्वेश्चन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे। मैं आपके लिए ऐसे अनगिनत वीडियोज लाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा डाउट सॉल्विंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने मेरे डाउट सॉल्विंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो और आप ऐसे अनगिनत वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।